हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजिक चैनल। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट किसी संख्या का निकालना किससे ज़्यादा उसके बारे में समझेंगे, बट कोई फिक्स फिक्स संख्या को सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तो शेयर भी कर दें। तो आज का जो मैथ मैजिक का जादू है उसको बढ़िया तरीके से देखेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ ट्रिक्स वाइज भी सॉल्व करेंगे और उसके बारे में और आसानी तरीके से सीखेंगे। तो चलते हैं आज की शॉर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से आप लोगों को, जैसे मैंने लिया, दिख रहा है ना आप लोगों को, 25। ठीक है, 25 सभी को स्क्वायर, मतलब इसका क्या होता है सबको पता है, क्या इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक, सबको पता है। इसको राइट हम लोग क्या कर देंगे, 625, ये तो निकाल लीजिएगा। अब 15 का भी निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 225। ठीक, अब 5 का भी निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 25। ये सब छोटी छोटी नंबर में सबको आता है, बहुत जन को 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट जो होता है वो पता है। बट उसके आगे जब 5 वाला, किसी मैं जो नियम बताने वाला, सिर्फ 5, जिस संख्या के अंत में 5 आ जाए उसी के लिए अप्लीकेबल ये नियम होगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो मैं इस नियम को कैसे अप्लाई करूंगा आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास कितना था इसका, जैसे मेरे पास 25 है, 25 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर मतलब वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं क्या करूंगा इस कंडीशन में, सबसे पहले जो मेरे पास 5 है उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो मैंने 25 लिख दिया। उसके बाद जो ये है उसमें से 2 तो है ही है, उसमें 2 को 1, 2 में 1 जोड़ के, 2 में जब 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, और 3 को फिर इससे गुना कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। देखिए यहां से भी मेरे को 625 प्राप्त हुआ और यहां से प्राप्त हुआ। तो यहां से आप लोग कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है, जब भी कोई संख्या आप लीजिए और देख लीजिए कि यदि उस संख्या के अंत में, उस संख्या के यूनिट में, डिजिट में अगर 5 आ जाए तो इस नियम जो आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या लास्ट में यानी 5 है, 5 को स्क्वायर को पूरा पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद जो उसके पहले वाली संख्या है उसमें एक जो संख्या है, जो संख्या है उस संख्या में 1 जोड़ दीजिए और जो संख्या है उसमें गुना कर दीजिए, तो आपको उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और मैं संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 35। 35 को क्या करूंगा, मैं 35 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले 5 का स्क्वायर करूंगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 तो है ही है, 3 में 1 और जोड़ के 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो इस प्रकार से हमको 35 का भी स्क्वायर रूट प्राप्त हो गया। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो जाकर प्लीज एक बार लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस संख्या के अंत में अगर 5 आ जाता है तो उस संख्या को जो आपको वर्ग निकालना है वो उसी प्रकार से आपको निकालते रहना है, ठीक है। मतलब उसका स्क्वायर इस तरह से आपको निकालना है, कभी भी इस तरह से आ जाए, कोई भी संख्या ले लीजिए। अब मैं बड़ी बड़ी संख्या लेता हूँ, जैसे आप लोगों को तो 25 तक पता है, 15 तक पता है, 5 भी पता है, बट अगर इससे बड़ा हो जाता है, जैसे इसके बाद 55, 65, 75, 95, 115, 225, इतनी बड़ी बड़ी संख्या अगर कभी एग्जाम में बोल दे कि स्क्वायर निकाल के दिखाइए, तो क्या कीजिएगा, तो जो मैं नियम बता रहा उसी नियम को अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो लास्ट में संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और उसके बाद वाली जो संख्या उसमें क्या करना है, उसके पहले वाले संख्या में क्या करना है, 1 को जोड़ के उसी संख्या में गुणा कर दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा। और मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि आप लोग को और आसानी तरीके समझ में आए। जैसे मैंने लिया 75, ठीक, 75 में क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर किया मैंने, कितना आया, 25 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, 7 में 1 जोड़ दूंगा, 8 हो जाएगा, 7 8 56, तो कितना आ गया मेरा स्क्वायर, 35 6 30, इतना आ गया। और कोई बड़े बड़े नंबर लीजिए, जैसे मैंने लिया, अब बोलिए सर 95 लेके दिखाइए, तो 95 को भी लेके लिख दिखा, तो पहले 5 का स्क्वायर करूंगा मैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 ही होगा। उसके बाद 9 में क्या करूंगा, 1 जोड़ दूंगा और 10 के गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 90। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 90। बात समझ रहे, तो इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, बड़े नंबर लेता हूँ। अब भी बोलिए अगर 100 से पार लेके दिखाइए, तो मैं 100 से पार लेके दिखाता हूँ। 100 से पार, जैसे मेरे पास एक नंबर ले लिया 115, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद कितना मेरे पास है, 11, 11 में एक बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 12, और 12 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ भी एक ट्रिक समझिए आप, जब भी आपको कोई संख्या को 11 से गुना करना है, जब भी आपको कोई संख्या को 11 से गुना करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या फर्स्ट और लास्ट में है, जो संख्या फर्स्ट और लास्ट में, उसको एज इट उसी तरह से छोड़ देना है और दोनों संख्या के बीच जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा। बात समझे, जब भी आपको कोई संख्या को 11 से गुणा करना है तो इसको 2 और 1 को पहले लग देना है,
दो लास्ट में, दो को मैंने लास्ट में रख दिया, एक फर्स्ट में, एक को फर्स्ट में रख दिया, और दोनों को जोड़ के बीच में मैंने रख दिया। ठीक, इस पर भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बना, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि 11 को मल्टीप्लीकेशन को मैं कभी भी कैसे सॉल्व करूँ, इसके बारे में बनाने वाला हूँ। ठीक है, बनाऊंगा। चल, कितना हो जाएगा 132, तो यहाँ से मेरे को 132 प्राप्त हो गया। और संख्या लीजिए, जैसे मैंने ले लिया आप लोग को, ऐसे मैं ले लेता हूँ 225। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि ये सब ट्रिक्स जो है ना, कभी आप लोग दोस्तों के साथ खेल कीजिए और उसके साथ जाके खेलिए, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे होगा, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस तरह से खेलने से क्या था, अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा और उसको भी मजा लगेगा और तुम्हारा भी कोई मजा लगेगा। खेल सिर्फ मतलब वही नहीं होता है कि मतलब क्रिकेट खेलिए तो फुटबॉल खेलिए, खेलिए भी होता है, पढ़ाई से भी आप लोग खेल करना सीखिए। ठीक है, तो इसको बनाइए। इसको क्या करूँगा हम लोग, देखिए 5 का स्क्वायर पहले मैंने किया, कितना हो गया 25। ठीक, 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 25 हो गया। अभी देखिए कितना 22। ठीक, 22 में क्या करूंगा हम लोग, एक जोड़ दूंगा 23। अब इस संख्या को हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिक्स अपना है, थोड़ा सा ट्रिक्स अपना है, यहाँ पर भी आप लोग क्या किया, ट्रिक्स अपना है। क्या करूंगा मैं, इसको तोड़ सकता हूँ, 11 × 2 × 23 लिख दिया मैंने, 11 × 2 = 23। अब क्या करता हूँ मैं, 23 को 23 एजर रहने देता हूँ। अब 11 क्या, 23 को अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करना पाऊँ, कर सकता हूँ, मतलब कर आसानी से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो आसानी तरीके से कर सकता हूँ, तो इसको मैं काट देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और कितना, 4 × 2 = 4 हो जाएगा, हो जाएगा, मैंने 46 हो गया, 23 × 2 = 46 होता। अब इसको गुना करना 11 से, तो आसानी तरीके से 11 से गुना हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 11 से कोई भी संख्या अगर गुना करना है तो जो पहली संख्या उसको रख देना है और लास्ट संख्या को भी रख देना, दोनों संख्या को मैंने उतार दिया और दोनों को जोड़ दिया। कितना हो गया, 6 × 4 = 10। देखिए 6 × 6 = 10। हाथ में एक बच रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 में एक जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, इस पर ट्रिक्स में बताऊंगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 506। कितना आसानी तरीके से निकल गया। कोई भी संख्या अगर आप बोल दें, देख लीजिएगा उस संख्या के अंत में अगर 5 है तो आंख बंद कीजिएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा और जो उसके पहले वाले संख्या उसमें एक जोड़ के उसे गुना कर दीजिएगा और पुट आउट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या की डिजिट जिसका इकाई अगर 5 है तो उसका स्क्वायर जो आपके आपको पूछा जाता है, तो उसको आप इस तरह से सॉल्व करके निकालना है। कोई और संख्या लेते हैं ताकि आप लोग और बढ़िया तरीके से समझ में। जैसे मैंने लिया, क्या लूँ, 125, 125 का क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर निकाला, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, 12 में एक जोड़ दीजिए, 12 × 13। ठीक, अब 12 × 36 = 6 हो जाएगा। ठीक, और 12 × 36 = 6, हाथ में 3 हो गए, 12 × 12 = 2, 12 × 3 = 15, तो मेरा आंसर इतना आएगा। ठीक है, 25 हो गया ना, 5। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। कभी भी आप लोग इस तरह से अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो आप लोग इस तरह से फॉर्मूला को सॉल्व कीजिएगा और निकालिएगा, आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। उसके साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जरूरत में विद्यार्थी तक शेयर कर दें। ठीक है, तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। जय हिंद।